वेलकम टू एमिग्रेजर कोर हैशटैग सवाल सन्ने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके नए सवालों के साथ, लेकिन वीडियो छोड़ने से पहले आपको तो पता ही क्या करना है, वीडियो के नीचे जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, मेरा एक कॉमेडी चैनल भी है एमिका कॉमेडी तड़का के नाम से, लिंक आपको उस चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एवरी वीक फनी फनी वीडियोस में लाती रहती हूँ। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते सवालों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है गुरजिंदर सिंह जी का। हाय, वो बोल रहे हैं कि मैम क्लीन करने के लिए डिटॉल यूज कर सकते हैं क्या? क्लीन करने के लिए मतलब इको टब क्लीन करने के लिए मशीन में, वॉशिंग मशीन में, तो डिटॉल यूज कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आप डिटॉल को यूज कर सकते हैं, आफ्टर एवरी टू मंथ्स आप डिटॉल को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो मतलब जो मशीन में जर्म्स वगैरह है, बैड ऑडर वगैरह है, वो सब निकल जाएंगी, तो आप डिटॉल का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्यन जी। हाय, बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन कितने की है? मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है सैमसंग की, फुली टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन है 6.5 केजी की, मुझे अप्रॉक्स पड़ी थी 15,000 रुपीज की अराउंड, लेकिन आपको डिपेंड करता है डिस्काउंट्स में, मुझे डिस्काउंट्स कितना मिला था, आपको कितना मिलेगा, हो सकता है कम मिले ज्यादा मिले, डिपेंडिंग ऑन डिस्काउंट्स। मैं लिंक आपको उस मशीन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है आपको मुझसे भी ज्यादा अच्छा डिस्काउंट्स मिल जाए, तो अराउंड मैं बोलूंगी आपको अप्रॉक्स 15,000 to 18,000 के बीच में आपको मशीन पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है नितेश। हाय, वो बोल रहे हैं कि नमस्कार, बहुत अच्छा आइडिया है, मैं बनाऊंगा दोनों ही, तो मैंने DIY क्लीनर बताया था आपको, ऑल पर्पज क्लीनर, और आपको ग्लास क्लीनर कैसे बनाना है घर पे, जिसके आप बजट में को ध्यान में रखते हुए बस बहुत ही कम पैसों में आप अच्छा से अच्छा क्लीनर आप घर पे बना सकते हो, जो कि विदाउट केमिकल्स होगा, वो मैंने बताया था, जिससे कि आपकी बहुत ही अच्छी क्लीनिंग भी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, मार्केट से खरीद के लाते हैं क्लीनर, तो बहुत महंगे भी पड़ते हैं वो हमको। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं बनाऊंगा क्लीनर, इसमें कोई फ्रेग्रेंस डालनी है तो क्या करे? फ्रेग्रेंस डालनी है तो आप इसेंशियल ऑयल्स को डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभिषेक। हाय, वो बोल रहे हैं कि यू आर ग्रेट मैम, यू हैव जस्ट सेव्ड माय फेवरेट ट्रैक सूट फ्रॉम ऑयल स्टेन्स, थैंक्स लॉट, ओ आई एम ग्लैड टू हियर दैट। सीरियसली मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हो, जो मैंने ऑयल स्टेन कैसे रिमूव करना है उसका वीडियो बताया था, तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और बहुत लोगों की पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, फेवरेट ड्रेस, पुलिस का ड्रेस, बहुत ज़्यादा जो है मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है उस वीडियो में, तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट है नावेद राशिद जी। हाय, वो बोल रहे हैं कि मैम आपकी मशीन कितने केजी की है? मेरी मशीन 6.5 केजी की है। ठीक है, जिसमें आप डबल बेड ब्लैंकेट भी आराम से धो सकते हैं। नेक्स्ट है निर्मला खुशवा जी। हाय, वो बोल रहे हैं कि थैंक्स डियर, यू एक्सप्लेन वेरी वेल, डेमो मैन नॉट गिव ऑल इंस्ट्रक्शंस, ही इंस्ट्रक्ट ओनली हाउ टू स्टार्ट मशीन, बट ही डिड नॉट टेल अबाउट हाउ टू सिलेक्ट वॉश, रिंस एंड स्पिन मोड सेपरेटली, एंड ऑल्सो ही डिड नॉट टेल अबाउट चाइल्ड लॉक फीचर एंड हाउ टू क्लीन फिल्टर मैजिक, थैंक्स डियर, मोस्ट 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 वेलकम। ये एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि जो मशीन के जो टेक्नीशियंस आते हैं ना बताने के लिए, डेमो पर्सन जो बताते हैं, डेमो देते हैं आपको पहली बार मशीन का, वो लोग भी इतना डिटेल में नहीं बताते, तो आपको मेरे जो चैनल पे ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो हर मॉडर्न होम अप्लायंसेस का या कोई भी वीडियो ले लीजिए, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ही आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज आगे भी मिलने वाली है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अदिति जी, अदिति, हाय अदिति, वो बोल रहे हैं कि पॉलिस्टर के जैकेट पर वर्क करेगा ये ऑयल स्टेन रिमूवर का जो मैंने बताया था, वो डेफिनेटली पॉलिस्टर पे भी वर्क करेगा। ठीक है, नंदनी गुप्ता नेक्स्ट, वो बोल रहे हैं कि क्या हम इसको PC से कनेक्ट कर सकते हैं? LG का जो मैंने 4K TV जो मैंने लिया है उसका रिव्यू किया था, यस आप डेफिनेटली उसको PC से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हरिका सना। हाय, वो बोल रहे हैं कि हाय, आई गॉट द सेम मॉडल बट आफ्टर वॉश साइकिल माई डिश वॉशर इज नॉट गेटिंग ड्राई, आई हैव वेटेड फॉर मोर देन 13 hours, इट्स स्टिल वेट इन साइड, डिशेज आर गेटिंग ड्राइड बट द इशू इज इन साइड ऑफ द डिश वॉशर इज ऑलवेज वेट, इज इट कॉमन? येस इट्स डेफिनेटली कॉमन। डिशेज की अगर मैं बात करूँ, अगर वो ड्राई नहीं हो रहे तो देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ प्रॉब्लम एज इन आपको रिंजे डालने की जरूरत है, अगर डिशेज ड्राई नहीं हो, आपके डिशेज ड्राई हो रहे हैं, अगर बाहर का पोर्शन जो है डिश वॉशर का वो वेट रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इट्स वेरी मच कॉमन। ओके, नेक्स्ट है नवजीत। हाय, वो बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट 10 liter अमेरिकन माइक्रोनिक गीजर, क्या 10 liter को किचन डिश वॉशिंग के लिए इंस्टॉल करवा सकते हैं?
क्योंकि 3 या 6 लीटर का जो गीजर होता है इस ब्रांड में अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली अमेरिकन माइक्रोनी का गीजर मैं भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा गीजर है, बहुत क्विकली वो पानी को गर्म भी करता है। 10 लीटर का गीजर है वो, आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा आपको उसका, आप ही मुझे फीडबैक दोगे क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, डेफिनेटली बाय कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बालू जी, हाय। वो बोल रहे हैं कि नवी मुंबई में कौन से लोकेशन पर है। मैंने आपको 2 BHK का टूर बताया था, रूम टूर बताया था, वो जो है लोकेशन तलोजा में है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन टेक, हाय। वो बोल रहे हैं कि सैमसंग 6.5 kg वॉशिंग मशीन में ओनली रिंस कैसे करें, प्लीज बताइए। ओनली रिंस अगर आपको करना है तो आपको वॉश साइकिल सिलेक्ट नहीं करना है, रिंस आपको सिर्फ रिंस साइकिल जो है सिलेक्ट करना है, स्पिन भी आपको सिलेक्ट नहीं करना अगर आपको नहीं चाहिए तो। अगर आपको चाहिए तो रिंस और स्पिन आप दोनों भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिंस करना है रिंस का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका भी मैं डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आने की कोशिश करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत लोगों का है। तो मैं, अगर आपका आपको नहीं समझ में आ रहा है इस वीडियो के थ्रू, मैं डेडिकेटेड वीडियो एक आपके लिए बना दूंगी सबके लिए, इनफैक्ट क्योंकि सभी लोग मोस्टली कुछ मुझे लोग जो है ये रिंस के बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है कमरान महमूद जी, हाय। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास हायर की ऑटोमेटिक मशीन है, क्या उसमें मैनुअली पानी डाल सकते हैं। अगर आपके पास टॉप लोड मशीन है आप डाल सकते हैं, फ्रंट लोड में आप नहीं डाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सरोज पाल जी, उनका 2 क्वेश्चन है। पहले तो वो पूछ रहे हैं आप कहाँ रहते होगी, तो मैं मुंबई में रहती हूँ। सेकेंड उनका क्वेश्चन है सोफा कहाँ से लिया है, प्लीज जल्दी बताइए, दुकान का एड्रेस बताइए। सोफा सेट, सोफा का बेड जो है मैंने लिया है उल्लासनगर फर्नीचर मार्केट से, आपको भी बहुत पसंद आएगा, आप उस मार्केट में जाइए, बहुत वो फर्नीचर पूरा फर्नीचर का ही मार्केट है, उसमें बहुत सारे शोरूम्स में आपको सिमिलर सोफा सोफा कम बेड देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शालिनी, हाय शालिनी। वो बोल रहे हैं कि दीदी इतना अच्छे से एनी टॉपिक कैसे एनालिसिस करते हो, प्लीज शेयर सम टिप्स। मैं तो अननोन टॉपिक के की ऐसे 1 या 2 पेज से ज्यादा नहीं लिख पाती अच्छे से, कैसे एक अननोन टॉपिक के ऊपर स्टडी करना चाहिए, प्लीज आप बोल दो ना शालिनी। एक्चुअली जिस भी जो भी मेरा अननोन टॉपिक रहता है ना, तो मैं क्या करती हूँ उसके डिटेल में जाती हूँ, मतलब उस टॉपिक के अंदर घुस जाओ। अगर आपको उस टॉपिक को अच्छे समझना ही है, अगर आपने ठानी लिया कि उस टॉपिक को आपको समझना है, तो उसके डिटेल में जाओ, उसके डीप में जाओ। कैसे नहीं समझ में आएगा, समझ में डेफिनेटली आएगा। एक बार नहीं समझ में आता है एनालिसिस करो, रिसर्च करो उस टॉपिक के ऊपर, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको एक टॉपिक को समझना होता है उसके डिटेल, ऊपर ऊपर से हम ऐसे पढ़ते हैं, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, बट वो आधा अधूरा सा हमारे दिमाग में रहता है, और आधा अधूरा नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इसके लिए आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करो उसके डीप में जाओ, डीप में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रूट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी, अगर आपको कोई टॉपिक करना है, अगर मुझे कोई टॉपिक करना रहता है मैं उसकी डिटेल में जाती हूँ, कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है, कितने वॉट का है, क्या 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 सब कुछ एवरीथिंग, मैं उसको पहले मैं खुद समझती हूँ उस टॉपिक को, मैं खुद समझती हूँ। अगर मैं मशीन का रिव्यू कर रही हूँ तो मैं मशीन को खुद समझती हूँ, मैं खुद ऑपरेट करती हूँ। अगर मुझे आपको कुछ बताना है मशीन का तो मैं खुद ऑपरेट करती हूँ, खुद चला के देखती हूँ, खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उसके बाद में मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो वो सब चीज़ें करना ज़रूरी है अगर आपको एक टॉपिक को अच्छे से समझना है तो, ठीक है। नेक्स्ट है कंपटीशन दोस्त, उनका नाम ही है। वो बोल रहे हैं कि मैम सेमी ऑटोमेटिक में मैनुअली कैसे ऐड करें, प्लीज बताया। तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो लेके आऊंगी, सेमी ऑटोमेटिक में मैनुअली पानी कैसे ऐड करना है वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है जेबा, हाय। वो बोल रहे हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर, क्या मैं चिया सीड्स इस्तेमाल कर सकती हूँ। डेफिनेटली चिया सीड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि चिया सीड्स इज रिच इन फाइबर, एंटी ऑक्सीडेंट्स, आपके लिए चिया सीड्स बहुत ही हेल्पफुल है, और जो है आपका आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने में भी ये बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी, तो आप चिया सीड जरूर लें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सवाल, अगर आपका कोई सवाल नहीं आया हो तो प्लीज बुरा मत मानिए, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि आपके कमेंट्स में ही आपके जो रिप्लाई देने की कोशिश करूँ, नहीं दे पाती हूँ तो मैं सवाल संडे तो लेके आती ही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।